नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अनिरुद्ध विज है और मैं दिल्ली के डॉक्टर सुंदरलाल मेमोरियल हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करता हूँ। मैं एक लैप्रोस्कोपिक और बेरियाट्रिक सर्जन हूँ और ओबेसिटी स्पेशलिस्ट भी हूँ। आज हम मोटापा यानी कि ओबेसिटी से जुड़े कुछ सवालों के बारे में हम चर्चा करेंगे और मोटापा किस तरह से हमारे शरीर में कई सारी बीमारियाँ की वजह बन सकता है, इसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। मोटापा यानी ओबेसिटी का यह मतलब होता है कि शरीर में अधिक मात्रा में फैट या चर्बी जमा हो जाती है। यह चर्बी हमारे शरीर में दो प्रकार से जमा होती है। एक तो होता है विजिबल फैट, यानी कि वह फैट जो हमारी चमड़ी के ठीक नीचे जमा होता है, जिसकी वजह से हमारा शरीर एक भारी लगता है और हमारे शरीर के सभी अंग भी मोटे दिखाई देते हैं। दूसरा फैट वो होता है जो इनविजिबल फैट होता है। ये हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में जमा होता है। ये हमें दिखाई तो नहीं देता है, लेकिन ये शरीर के सभी ऑर्गन्स में नुकसान ज़रूर करता है और कई सारी बीमारियों की जड़ बन सकता है। जब ये फैट लीवर में जमा होता है तो ये फैटी लीवर की बीमारी पैदा कर सकता है। यह फैट कोलेस्ट्रॉल का रूप लेके हमारी खून की नसों के अंदर जमा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा बीपी बढ़ जाता है। जब ये हमारे हृदय की नसों में जमा होता है कोलेस्ट्रॉल, तो हमारा को हृदय रोग का भी सामना करना पड़ सकता है। महिलाओं में अधिक फैट बढ़ने से उनके हॉर्मोन्स की प्रॉब्लम हो जाती है, जिससे उनकी माहवारी भी गड़बड़ा सकती है और कई बार इस वजह से वह माँ भी नहीं बन पाती है। अधिक वेट के कारण हमारे जोड़ों पे भी ज़्यादा जोर पड़ने लगता है, जिसकी वजह से जोड़ घिस जाते हैं और ऑस्टियोआर्थराइटिस की बीमारी पैदा हो जाती है। इन मेडिकल प्रॉब्लम्स के अलावा मोटे लोगों को कई बार सोसाइटी में बहुत सारी सोशल प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ सकता है। मोटे लोगों के परिवार वाले या उनके दोस्त भी बहुत बार उनका मजाक बनाते हैं और उन्हें बुरी नज़र से देखते हैं। मोटापे के कारण कई बार लोगों को अपनी नौकरी भी खो देनी पड़ती है, क्योंकि उन्हें आलसी या लापरवाह समझा जाता है। इसी वजह से मोटे लोगों में एक लो सेल्फ एस्टीम, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस और डिप्रेशन भी बहुत ही कॉमन है, और जिसकी वजह से उनको ये सोशल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है।